हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, SOL के प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले तो अगर आपके पास SOL की डिग्री आ गई है, चाहे वो डिजिटल डिग्री हो या फिर हार्ड कॉपी वाली डिग्री हो, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का फिर कोई यूसेज नहीं है, तो आप ये वीडियो ना देखें। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है अभी और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप ये वीडियो देखें। अभी हाल ही में लास्ट मंथ SOL के ओल्ड सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज़ का रिज़ल्ट आया था और उसके बाद बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। या फिर रेवोल्यूशन के रिज़ल्ट भी हर एक महीने में अपडेट हो रहे हैं काफ़ी बच्चों के, और उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है। या फिर आपकी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर कंप्लीट हुई थी और आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा, एक तो वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ जाकर एक बार डाउनलोड करके देखो। अपना सेशन बहुत प्रॉपरली सेलेक्ट करना, और रोल नंबर टाइप नहीं होता बच्चों से, तो एक जगह रोल नंबर लिख लो नोट पैड में, वहाँ से कॉपी करो, फिर कीबोर्ड में जाकर टाइप करो, वो हो जाएगा, पेस्ट कर लो। तो अगर आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहा, वहाँ लिख कर आता है कि वेट फॉर 2 or 3 days योर प्रोविजनल इज़ नॉट जनरेटेड येट, तो इसका रीज़न ये है कि आपका रिज़ल्ट तो अपडेट हो गया एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से, लेकिन SOL ने अभी तक उसको अपडेट नहीं करा। और जिन जिन बच्चों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ, आप अपना डैशबोर्ड स्टूडेंट डैशबोर्ड ओपन कीजिए। वहाँ ओपन करने के बाद जो माय अकाउंट के सेक्शन में रिजल्ट का सेक्शन होता है, वहाँ जाकर सबसे लास्ट वाली लाइन में आप देखोगे तो वहाँ पर आपका अभी रिजल्ट कम्प्लीटेड नहीं दिखाएगा। मार्कशीट में कम्प्लीटेड है लेकिन वहाँ कम्प्लीटेड नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SOL के नॉर्थ कैंपस नियर बाय विश्वविद्यालय, वहाँ आपको जाना पड़ेगा अपनी मार्कशीट लेकर। अपनी मार्कशीट की हार्ड कॉपी लेकर जाइएगा और उनसे दो बातें बोलिएगा कि सर मुझे रिज़ल्ट अपडेट करवाना है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर उन प्रोफेसर का मूड अच्छा होगा तो ऑन द स्पॉट वो लोग जनरेट कर देंगे, आप इमीडिएटली डाउनलोड कर पाओगे, मतलब थोड़ा सा बहुत टाइम लेंगे 10-15 मिनट। या फिर अगर उनका मूड अच्छा नहीं होगा तो वो ये बोलेंगे कि हम आप मार्कशीट रख के चले जाइए, हम इसको जनरेट कर देंगे, आप आज शाम तक या कल सुबह तक डाउनलोड कर पाओगे। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको कैंपस जाना पड़ेगा और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर दूँ, काफ़ी बच्चे रेवोल्यूशन में पास हुए हैं, उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भी भर दिया था क्योंकि रिस्क था कि भाई पास होंगे या नहीं होंगे। तो अगर आप पास हो गए हो तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का तो प्रोसेस मैंने बता दिया, और जो फॉर्म आपने भरा था वो भी आपको कैंपस जाकर कैंसिल करवाना पड़ेगा। बस एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख दीजिएगा और उसके साथ मार्कशीट अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट आई होप आपको पता होगा, बस उसमें ये लिखना है कि मैंने रेवोल्यूशन के लिए अप्लाई करा था, उसमें मैं पास हो चुका हूँ, और एट द सेम टाइम एग्जामिनेशन फॉर्म भी मैंने भरा था, तो प्लीज़ इस फॉर्म को कैंसिल कर दीजिए, अब मैं इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दूंगा बिकॉज मैं पास हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। दैट्स इट, ओके। ये आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने आया था। थैंक यू।